सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड एक ऐसे इंडियन सीरियल किलर के बारे में है जो कत्ल तो करता था मगर डंके की चोट पर वो अपने हर शिकार को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट देता था और इनके कई हिस्से बनाता था और इनमें से कई हिस्से एक धमकी भरे खा के साथ पुलिस थाने के गेट के सामने छोड़ जाता था और पुलिस एक मामूल के मुताबिक इस इंसान के जिस्म के टुकड़े के साथ इस धमकी भरे नोट को उठा लेती और इन्हीं के जरिए इस सीरियल किलर तक पहुंचने की कोशिश करती मगर ये सीरियल किलर ऐसा होने से पहले ही एक और शिकार के बॉडी पार्ट्स को एक और नोट के साथ पुलिस तक पहुंचा देता और एक बार फिर पुलिस को चैलेंज करता कि अगर आप मुझे पकड़ सके हो तो पकड़ लो वरना हर दो हफ्ते में आप लोग इसी तरह का एक तोहफा वसूल करते रहना। और कई दफा ऐसा भी होता था अगर इस एरिया की पुलिस की नज़र इनके भेजे या थाने के आस पास रखे गए पार्सल पर नजर नहीं पड़ती तो ये किसी और पुलिस स्टेशन को फोन कर देते और इन्हें कह देते थे कि इस पुलिस स्टेशन वालों से कहो इनके थाने के पास मैंने इनके लिए जो पार्सल रखा है इसे उठा ले। ये संकी सीरियल किलर अपने विक्टिम्स की बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग जगहों पर पूरे शहर में बिखेर देता था ताकि पुलिस इस विक्टिम को पहचान नहीं सके क्योंकि ये सीरियल किलर अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन इनके किसी भी शिकार की पहचान हुई तो उसी दिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी। इस संकी इंडियन सीरियल किलर का नाम है चंद्रकांत झा। सीरियल किलर चंद्रकांत वेस्ट दिल्ली का रिहायशी है। इनकी दो शादियां हुई मगर पहली बीवी ने इन्हें एक साल से भी कम अरसे में छोड़कर चली गई और इनसे तलाक ले लिया। चंद्रकांत ने पहली बीवी की तलाक के बाद इसने बहुत ही कम अरसे में दूसरी शादी कर ली और इसी दूसरी बेगम से इनकी 5 बेटियां हैं। चंद्रकांत झा पेशे के एतबार से हफ्तावार लगने वाली बाजारों में हाकर था। वो डेली वेजिस पे काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर था मगर ये मामूली सा मजदूर तिहार पुलिस के लिए किसी अंडरवर्ल्ड डाउन से कम साबित नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने हर कत्ल के साथ इस विक्टिम के कुछ बॉडी पार्ट्स को एक नोट के साथ तिहार जेल भेजता था। सीरियल किलर चंद्रकांत झा को पुलिस ने 1998 में एक शंकर नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया था और ये सीरियल किलर 2002 तक तिहार जेल में कैद मगर नाकाफी सबूतों की बिना पर इसे पुलिस को रिहा करना पड़ा। जेल से रिहा होते ही सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने शहर में खुलेआम कत्लो गारत कर दी और पुलिस इसे पकड़ने के वास्ते सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकाम हो रही थी। ये अपने शिकार के साथ पहले दोस्ती करता, इनका भरोसा जीता, फिर इन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर कत्ल कर देता। सीरियल किलर चंद्रकांत हमेशा इन गरीब मजदूरों को अपना शिकार बनाता था जो दूसरे स्टेट से काम ढूंढने के लिए आते थे। ये सीरियल किलर पहले इन्हें कोई छोटा मोटा काम दिलवाने में इनकी मदद करता था और फिर इन्हें ये ऑफर करता था कि अगर वो इनके साथ रहना चाहे तो रह सके क्योंकि ये सीरियल किलर भी अपनी फैमिली से दूर अकेला रहता था। काम और रिहाइश दोनों में मदद करने के बाद इन गरीब मजदूरों का भरोसा जीता, फिर किसी भी मामूली सी बात का बहाना बनाकर इनका गला दबाकर इन्हें कत्ल कर रहा था और इनके जिस्म के हर हिस्से को शहर के एक अलग कोने में फेंक देता और एक हिस्से को तिहार जेल के आसपास पुलिस के लिए फेंक देता था। ये सिलसिला सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने 2007 तक जारी रखा और 2007 में एक कत्ल के शुबे में इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान इन्होंने अपने किए तमाम जराइम का इकरार किया और इन्होंने बताया कि इनके एक दोस्त को इन्होंने सिर्फ इसलिए कत्ल किया था क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन था और एक दूसरे दोस्त को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि वो हमेशा औरतों के पीछे भागता रहता था। इस तरह इस सीरियल किलर ने अपने हर कत्ल को अजीबोगरीब तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की मगर इंडियन कोर्ट्स ने इनको सजाए मौत की सजा सुना दी। इनकी अपील पर 2016 में इनकी सजाए मौत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया गया और ये आजकल तिहाड़ जेल में कैद है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।